बैड कैलोरीज लेगा हार्ट अटैक हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है? और वही एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या है, पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू है और उसके अंदर आपको अच्छी कैलोरीज भी मिलेगी, आपका सर्कुलेशन और आपको एनर्जी अच्छी देगा, ये समझो खाने की चीज है। लेकिन आज का खाना कैसा है, पूरा केमिकल पेस्टिसाइड। आज रात में इतना बड़ा भूखा होता है वो दूसरे दिन कितना बड़ा हो जाता है, केला कच्चा होता है दूसरे दिन पक जाता है, तो ये सारा सब पेस्टिसाइड और केमिकल का खेल आज दिन पर दिन हर कोई फेस कर रहा है। तो यहां से हमारे शरीर में क्या जा रहा है, टॉक्सिन ही टॉक्सिन। अब यहां पर दो वर्गों में डिवाइड है, खाना खाने में दो वर्ग है, एक होता है वेज और एक होता है नॉन वेज। ऐसा तो कहीं से ऊपर से आए नहीं थे कि भाई लिखिए कि भाई आपको वेज खाना है नॉन वेज खाना है, वो तो ठीक है हम हमारे कास्ट डिलीवरी के हिसाब से हम बढ़े। अगर आप वेज खाना खाते हो तो आपके खाने में विटामिन B12 है क्या? आपने बचपन से आपके डॉक्टर को बताया, कभी डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके खाने में विटामिन B12 नहीं है? अगर B12 नहीं है तो आपके RBC अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, आपके ब्रेन सेल में प्रॉब्लम है, आपको हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ये कभी नहीं उन्होंने बताया होगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। तो विटामिन B12 नहीं मिल रहा पहले, अब वो देने की प्रयत्न ऊपर वाले ने आपको किया, वो भी कैसे किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो धरती मैंने बनाया किसके लिए, इंसान के लिए, बराबर है? और इंसान ने उसको क्या किया, उसका डिस्ट्रॉय किया, जिसने बनाया हमको उसके पहले यहां पर नेचर बनाया, सब कुछ किया, उनको पता था कि मैं जिसको भेज रहा हूं वो अपने आप में आतंकवादी है ना, हम आतंकवादी, करेक्ट है? हमने ही सब खराब किया, इसीलिए आपको सिर्फ लैंड जो किया था जमीन को 29% और 71% पानी, जमीन के अंदर जंगल, जंगल से भी घर बने ऑफिस बने सब हुआ और जंगल हो गया खत्म। अब ये जंगल से क्या मिलता था आपको, ऑक्सीजन कौन देता था? आज क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई क्या? नहीं, क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा अल्गी नीचे पड़ा है, शैवाल, जो ऑटोमेटिक उग जाता है। आपके घर में भी पानी गिरेगा तो उसके वहां भी आपको शैवाल दिखेगा, इसके लिए कोई आपको खाद वगैरह नहीं डालना पड़ती है ना, वो ऑटोमेटिकली रीग्रोथ होते रहता है। तो ये पानी के अंदर 71% जो वाटर है पूरे अर्थ के, वहां से यह अल्गी है और यह अल्गी आज आपको ऑक्सीजन दे रहा है, 95% ऑक्सीजन सी साइड से आ रहा है, इसीलिए आज हम सर्वाइव हो रहे हैं, वरना हमारा हाल बेहाल, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ने वाली बात आ रही है, ठीक है? तो वो आज अब सिर्फ ये ऑक्सीजन देने का नहीं काम कर रहा है, इसके अंदर वो सारी ताकत डाल के दी है ताकि एक मनुष्य उसका सेवन करके अपनी खुराक बना सके। सिर्फ विटामिन सी नहीं मिलेगा इसमें, बाकी एवरीथिंग दिखा, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक पिक्चर डाला है, बाकी इसका तो केमिस्ट्री देखेंगे तो इतनी बड़ी है कि आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले ये अल्कलाइन है, एसिड नहीं है, 100% अल्कलाइन, इसके अंदर 65% से 70% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन का पूरा रेंज, खाली विटामिन सी नहीं, विटामिन B12 जो आपके कोई वेजिटेबल फ्रूट में नहीं वो इसमें। उसके अलावा माँ के दूध से मिलने वाला GLA गामा लिनोलेनिक एसिड वो भी ये देने की ताकत रखता है, क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि 2000 के बाद में माओ के पास टाइम नहीं होगा कि अपने बच्चों को दूध दे। आज का पोजीशन यही है, हो पा रहा है क्या? पहले दो दो साल तक छाती से दूध पीते थे, इसीलिए रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी नहीं और वो लोग लाइफ एंजॉय किए। आज का हाल क्या है, तो ये GLA भी है, तो ये स्पायरुलिना जो है एक टैबलेट फॉर्म में और एक कैप्सूल फॉर्म में आज आपको दे रहा है, और इसका सेवन करने से आपको क्या मिलेगा, एंटायर विटामिन और पूरा ग्रीन फूड विद अल्कलाइन फूड। तो करना क्या है, जो वेजिटेरियन लोग हैं, दो सब्जी खाते हैं आप लोग, क्यों खाते हैं, एक डैडी को पसंद है, एक मम्मी को पसंद है, एक बेटे को पसंद है, एक बेटी को पसंद है, इसलिए उससे कुछ फायदा हो रहा है, एक ड्राई एक वेट करके खाते हैं ना, एक सब्जी का त्याग कर दो, इकोनॉमिकली सोचो, मनी आई सेव मनी आई अर्न, आज मैंने 2 रुपया बचाया कल बचाऊंगा कमाया, तो एक वाटी खाली करो और उस वाटी में आप ये 3 से 4 स्पारुला डाल के हर परिवार खाएं, आपकी जो पूरी प्लेट है ये संपूर्ण पोषण वाली प्लेट बनेगी, क्योंकि जो प्लेट के अंदर आपको विटामिन नहीं मिल रहा वो देगा, जो प्लेट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है वो मिल रहा, जो प्लेट आपकी एसिडिक है उसको अल्कलाइन करते हुए बैलेंस करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो 61,900 एंटीऑक्सीडेंट देने की ताकत ये स्पायरुला की है,
और ये आरबीपीएल के 23,000 और मोरेंजी, ये अगर तीनों का सेवन आपने किया ना, तो अभी कौन बोलता है, धोनी बोलता है रिवाइटर रिवाइटर, पहले हमारे सुल्तान बोलते थे रिवाइटर रिवाइटर, ये सब पप्पू टप्पू है इनके सामने, कहीं भी खड़े नहीं रहेंगे। इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और जितना एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में रहेगा हर बीमारी आपसे दूर रहेगी। बोले कि यहाँ पे जाना खतरा है, इमीडिएटली वॉकआउट हो जाएंगे हम। तो ये स्पार्ना आप एक बच्चे से लेके दो, वन डे बेबी से लेके दो, कोई भी एज तक दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, जितना मैंने बताया था फोन ले सकता है वो सारों के लिए, ये ओल्ड एज में दे दो, हाई लाइफ एनर्जी देगा और बहुत सारे फायदे। प्रेग्नेंट लेडी में आप लेते हो तो उसको 9 महीना विद कोकोजी अगर आपने दिया तो कोकोजी उसका मन को शांति देगा और स्पार्ना उसको वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू देगा। तो जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एक्सीलेंट होगी। एन टाइम पे आपको ब्लड के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और 100% बोलता हूं, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट वो नहीं है चंबल की रानी तो वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर वो चंबल की रानी है तो किसी ना किसी तरह से तो लपड़ा जाएगी, ठीक है वो अलग। अगर वो अच्छी है तो नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी विद स्पार्ना एंड फोकस। अगर उसके रेगुलर यूज है उसके साथ साथ इनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और जो होने वाले चेंजेस है हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से लिकोरिया वगैरह वहां पर एक्सीलेंटली काम किया है। और कितने सारे फाइब्रॉइड्स वगैरह की वजह से हमने यूट्राइन ऑर्गन जो यूट्रस है उसको बचाया है कि सिर्फ दो प्रोडक्ट कई सारे टेस्टिमनी है। इस बार टीटी क्रीम है।